Hello, Raj from High Level Consulting Services. Gentlemen, when we talk about movies, when we talk about web series, जब भी हम बात करते हैं movies की, जब भी हम बात करते हैं web series की, we guys know that these things are far away from reality. हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये चीजें reality से काफी दूर हैं, reality से परे हैं. But gentlemen, on the flip side of the coin, वही दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि ये जो वेब सीरीज हैं, ये जो मूवीज हैं, वो शो करती हैं हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन. रिसेंटली मैंने जो वेब सीरीज देखी है वो है जेंटलमैन स्कैम 1992. बट देयर आर सम स्पेसिफिक थिंग विच आई थिंक दैट एवरी वन ऑफ यू शुड लर्न फ्रॉम स्कैम 1992. सो जेंटलमैन, टूडेज वीडियो कॉल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फोर बिजनेस लेसन विच यू एंड मी मीन्स एवरी वन शुड लर्न from scam 1992. So gentlemen, without wasting any time, let's get started. And the first lesson which we can learn from scam 1992 is don't be scared to take risk in your life. अगर हम इस वेब सीरीज की स्टोरीज की बात करें, सो हर्षित मेहता इज अ ऑर्डिनरी मैन. हर्षित मेहता क्या था, एक आम आदमी था. बट जेंटलमैन, ही टेक रिस्क इन हिज लाइफ एंड बिकम द अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट. वो अमिताभ बच्चन बना स्टॉक मार्केट का. लोग उसको अमिताभ बच्चन कहने लगे स्टॉक मार्केट का. सो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रिस्क लिया. तो जेंटलमैन, द फर्स्ट लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्कैम 1992 कि हमें रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की, एक मिडिल क्लास मैन की, आपकी मेरी बात करते हैं, तो अगर हम जब देखते हैं कि हम अपने फाइनेंस स्टेट को जब स्टेबल करने के लिए वेरियस स्कीम्स में पैसा डालते हैं, जैसे हम FDs करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 7-8% हमको एनुअली उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है. पर जेंटलमैन, थोड़े से रिस्क अगर हम वहाँ पर लें और म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो हमारा मुनाफा, हमारा जो प्रॉफिट है, वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकता है. सो जेंटलमैन, फर्स्ट लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इज जेंटलमैन, डोंट बी स्केयर्ड टू टेक रिस्क. Because there is a famous dialogue in this web series that risk hai to isk hai. Things are pretty clear by these lines. These lines are so meaningful that I don't think that I have to tell you guys to make you understand these lines. You guys probably know that what type of risk I am talking about. बट यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है, जो हमको जानने वाली चीज़ है, कि वो यही है कि हम जहाँ पर भी अपना पैसा लगाएं, जहाँ पर भी हम रिस्क की बात करें, वी शुड कैलकुलेट फर्स्ट. हम वहाँ पर जानते हों, हम वहाँ पर समझते हों कि यहाँ पर कितना रिस्क है और कितना परसेंट हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है. सो जेंटलमैन, द फर्स्ट थिंग इज डोंट बी स्केयर्ड टू टेक रिस्क इन योर लाइफ. So gentlemen, after talking about the first lesson, we are moving to our second one, and that is confidence is a must. Gentlemen, if we want to become an entrepreneur in our life, if we want to become a successful person in our life, then confidence is a must. Agar hum ek analyze kare scam 1992 ko, Harshit Mehta ki life ko, so wahan par kya hai ki Harshit Mehta jo hai wo apne plans ko lekar, apni strategy ko lekar bahut hi zyada confident hai. He know that what he is doing, wo janta hai, wo achhi tarike se samajhta hai ki wo kya kar raha hai. बट जेंटलमैन, जैसे जैसे उसको सक्सेस मिलती जाती है, ही बिकम क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट. जेंटलमैन, बिलीव मी, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिकमिंग बिटवीन कॉन्फिडेंट मैन एंड ओवर कॉन्फिडेंट मैन. कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना उतना ही ज़्यादा ड्रास्टिक भी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए. सो जेंटलमैन, द सेकेंड लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हर्षित मेहता 1992 स्कैम, दैट कॉन्फिडेंस इज मस्ट for our success, but being overconfident, gentlemen, lead us to destruction. So gentlemen, the second lesson is confidence is must for our success. So gentlemen, after talking about the two lessons, we are moving to our third one, and that is research and the art of selling are two very essential skill for growing our business. अगर हम हर्षित मेहता की स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो बिफोर एंटरिंग इन द स्टॉक मार्केट में आने से पहले हर्षित मेहता सेल्स जॉब करता था, जहाँ पर उसने आर्ट ऑफ नेगोशिएशन और आर्ट ऑफ सेलिंग में बहुत ही अच्छे से स्किल अपनी डेवलप कर ली थी. और इस स्किल्स ने, उसकी नेगोशिएशन पावर ने और उसके सेलिंग आइडियाज़ ने उसको हेल्प करी टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट.
उसको हेल्प करी स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने में. सो जेंटलमैन, बिलीव मी, द थर्ड लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम स्कैम 1992, दैट आर्ट ऑफ सेलिंग एंड अवर रिसर्च अवर नॉलेज इज वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोइंग अवर बिजनेस. सो जेंटलमैन, आफ्टर टॉकिंग अबाउट थ्री लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम हर्षित मेहता स्टोरी स्कैम 1992, वी आर मूविंग टू अवर फोर्थ लेसन एंड दैट इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर. Don't worry if you get failed, gentlemen. Because if we analyze Harshit Mehta's story, even Harshit Mehta get failed in his first attempt. और अगर हम बात करते हैं real life की, real life में अगर हम देखें बहुत से entrepreneurs हैं जो first attempt में इतने successful नहीं हुए, इतने अच्छे से उनका business कामयाब नहीं हुआ. KFC के owner ने अपना business at the age of 65 start किया था, at the age of 65. तब जाके उनको सक्सेस मिली थी. सो जेंटलमैन, द थिंग इज यू शुड नॉट बी वरी अबाउट योर फेलियर, यू शुड बी वरी अबाउट व्हाई यू गेट फेल, आप फेल क्यों हुए, क्या कमी रह गई. सो जेंटलमैन, द फोर्थ लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम हर्षित मेहता स्टोरी इज जेंटलमैन, डोंट वरी ऑफ योर फेलियर, स्टैंड अप, ट्राई अगेन अंटिल यू अचीव योर गोल. सो जेंटलमैन, द फोर्थ टिप इज डोंट वरी ऑफ योर फेलियर.